SAP data extraction. Now in this video we are going to see the data which we have about the Patco company. इसमें देखो, it's a huge data which we have. तो इसको आराम से हम लोग समझेंगे step by step. I have this huge amount of data. पहले तो सबसे first thing which we are going to learn, इसकी data कैसे हम लोग ने extract किया है यहाँ पर. Data is collected and is obtained from ERP, which is the Enterprise Resource Planning System. So ERP is an Enterprise Resource Planning System, which is a tool for the extraction of the data. जब ये इतना huge amount of data collect होता है, obtain करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक system चाहिए, एक integrated software चाहिए, जो हमारे पूरे data को proper way से extract करे. तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस यूज्ड बाय कंपनीज इन ऑर्डर टू कलेक्ट स्टोर एंड मैनेज डेटा फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़. तो मेरे व्हेन यू हैव अ ह्यूज बिजनेस, तो उस बिजनेस में ऑब्वियसली यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. उस डेटा को अच्छे से कलेक्ट करना इन अ प्रॉपर वे, उसको प्रॉपरली स्टोर करना, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वीडियो, आराम वो एक फाइल में स्टोर नहीं होगा, तो उसके लिए वी रिक्वायर डिफरेंट सॉफ्टवेयर. तो वो उसको अच्छे से स्टोर करना एंड उसको मैनेज करना, इफ़ देर इज़ एनी चेंजेस गोइंग ऑन तो उसको मैनेज करना, ऑल ऑफ दिस इज़ डन बाय द दिस ईआरपी सिस्टम. नाउ दीज आर कॉल्ड द डेटा वेयर हाउसेज बेसिकली. व्हाई? बिकॉज दीज आर द वेयर हाउसेज स्टोरेज प्लेस वेर यू कैन स्टोर ऑल योर डेटा. समथिंग लाइक अ कंटेनर वेर ऑल माई डेटा इज स्टोर्ड. नाउ देर आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ERP system providers in the world, which is Oracle and SAP. I think you all have heard of these names. Maybe aapne Oracle suna ho. Oracle and SAP are the two ERP system providers in the world jo bade companies ko apna integrated software provide karte, solutions provide karte in order to extract and collect and store and manage the huge amount of data which they have. Now iska process kya hota hai? We start with the information. We collect the information. So the system starts to collect the information from different sources. एक बड़ा कंपनी है, obviously उसके बहुत सारे टीम्स होंगे, उसके बहुत सारे sources of information होंगे. तो वो सारे sources से information gather करना, कौन gather करता है? ERP system. हमने यहाँ पर SAP लिया है तो ERP system पूरा information gather करता है. And there is a SAP BO, BO यानी कि business object. Now this is a tool जो क्या करेगा, आपके इन्फॉर्मेशन को इन अ प्रॉपर फॉर्मैट, इन अ यूज़र फ्रेंडली फॉर्मैट एक्सट्रैक्ट करेगा एंड उसको नेचुरली एक्सेल में डाउनलोड कर देगा एंड यू गो टू द एक्सेल. सो यू स्टार्ट विद द इन्फॉर्मेशन, रॉ इन्फॉर्मेशन जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहे, वो कौन लेगा? वो ईआरपी सिस्टम एक्सट्रैक्ट करेगा एंड SAP BO, विच इज़ अ बिजनेस ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा? वो उस डेटा को नेचुरली इन अ यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट कहाँ डाउनलोड कर देगा? एक्सेल में डाउनलोड कर देगा. नाउ दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर. वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि हम लोग कैसे करते हैं. ये हमारे ये दिस इज़ नॉट इनटू आर सिलेबस कि हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा. वी लर्न कि हम लोग एक्सेल में जब हमारे पास डेटा आ जाए तो उसके बाद आगे हम लोग उसको कैसे एनालाइज करेंगे. दिस वॉज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ हाउ वी एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द रॉ इन्फॉर्मेशन विच वी हैव. बिजनेस ऑब्जेक्ट टूल ऑफ SAP अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट डेटा नेचुरली डाउनलोडेड एंड यूज एक्सेल. तो मैंने जो भी समझाया बिजनेस ऑब्जेक्ट BO. अब मैं अपने डेटा में आती हूँ. नाउ दिस इज द डेटा विच वी हैव. यू ऑल कैन सी बहुत सारे कॉलम्स हैं एंड बहुत सारे रोज भी हैं. सो आई हैव सेग्रीगेटेड माई इंटायर डेटा इंटू टू पार्ट्स. लेफ्ट साइड विच कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव डेटा. आई जस्ट शो यू ऑन माई डेटा शीट. ये डेटा शीट आपको मिल जाएगा ऑन योर ड्राइव, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन कंटिन्यू द फॉलोइंग वीडियोज इन द सेम मैनर. तो ये मटीरियल से लेके क्लाइंट टाइप तक, इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव डेटा बोला है. यानी कि मटीरियल नंबर, हर एक मटीरियल, हर एक आइटम का नंबर होता है. व्हेन यू गो टू अ सुपरमार्केट, व्हेन यू बाय सम प्रोडक्ट, तो देखना वहाँ पे स्कैन करते हैं उन लोग एक बार कोड को. बेसिकली हर एक प्रोडक्ट का अलग अपना एक आइडेंटिटी होता है. सो दिस इज़ द मटीरियल नंबर. जनरली मटीरियल नंबर एक ब्रांड के जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास होते हैं, एज यू ऑल कैन सी.
115 115 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, सो दिस इज़ बेसिकली ऑफ द सेम ब्रांड. नाउ दिस इज़ द मटेरियल डिस्क्रिप्शन. मटेरियल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, पहला इज़ द ब्रांड नेम विच यू ऑल कैन सी, यहाँ पे ब्रांड नेम है. दूसरा इज़ द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज़ 250 ml. एंड थर्ड इज़ द पैकेजिंग, पैक कितना है, 4 का पैक है. तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था इसके पहले वाले वीडियो में, 3 का पैक आता है, 5 का पैक आता है, वैसे दिस इज़ 4 का पैक. पीरियड वाले सेक्शन में देखना, दिस इज़ द ईयर एंड द मंथ गिवन, 2016 01 01 स्टैंड्स फॉर जनवरी एंड 2016 स्टैंड्स फॉर द ईयर. नेक्स्ट वी हैव द मटेरियल, सॉरी नेक्स्ट वी हैव द क्लाइंट. दिस ये है क्लाइंट का नेम, ये है क्लाइंट का नेम जिससे हम लोग ये वाला मटेरियल डील कर रहे हैं, जिसके साथ हम इस मटेरियल को डील कर रहे हैं. देन वी हैव द क्लाइंट टाइप विच इज़ द सुपर मार्केट. तो ये हमारा पूरा हो गया, यहाँ से मटेरियल नंबर से क्लाइंट टाइप तक ये हमारा पूरा हो गया. डिस्क्रिप्टिव डेटा विच इज़ गिविंग यू डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट मटीरियल्स विच वी आर सेलिंग. नेक्स्ट वी हैव द वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर आइटम का कितना वॉल्यूम हमने बेचा, 206 है यहाँ पे. फिर उसके ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स यानी कि जो हमने पूरा वॉल्यूम बेचा है उसको हमने कितने में, हमारा ग्रॉस उसका कितना प्राइस था. नाउ लेट्स से सपोज, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ. व्हेन यू गो टू अ पर्टिकुलर शॉप, आपको वो शॉप, आप सपोज आपने मैगी का 5 पैकेट लिया, ठीक है, आपको शॉपकीपर ने बोला 50 रुपीज़. तो 50 रुपीज़ दैट इज़ द ग्रॉस सेल्स फिगर जो आपको उसने बताया. नाउ यू विल आस्क हिम कि भैया मैं तो आपसे ही लेती हूँ, मुझे डिस्काउंट दो. सो वो आपको क्या करेगा, वो आपको डिस्काउंट देगा, मे बी 2 रुपीज़ का उसने आपको डिस्काउंट दिया. तो 50 वॉज द ग्रॉस अमाउंट जो आपको उसने बताया, उसने आपको डिस्काउंट दिया 2 रुपीज़ का. एंड आपका नेट सेल्स फिगर कितना हो जाएगा, 50 - 2 विच इज़ 48. तो आपको कितना देना पड़ा, 48, एंड द शॉप ओनर गॉट 48 इन हिज पॉकेट. तो ग्रॉस सेल्स इज़ द फिगर जो डिस्काउंट के साथ होता है, जब डिस्काउंट उसमें से हटा देते हैं यू गेट द नेट सेल्स फिगर. दिस इज़ द एक्चुअल फिगर विच द शॉप ओनर रिसीव्स. तो ये हमारा यहाँ पे फिगर है जो हमारा कंपनी एक्चुअली रिसीव करेगा, कर रहा है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल बेसिकली क्या होता है. अब अगर हम लोग एकदम ईजीली समझें, एक रिटेलर जो है, जो शॉप ओनर जिससे आप मैगी खरीदने गए, वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल क्या क्या है. उसके लिए है वो मैगी कहीं से परचेज करना, उसको स्टोर करना, तो ये उसका एक कॉस्ट है जो उसने स्पेंड किया ऑन दैट पर्टिकुलर मैगी. तो ये इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल हो जाएगा. इन बिग कंपनीज, इन आर केसेस, ये क्या हो गया, परचेज जो हमने परचेज किया गुड्स कहीं और से, फिर उसको हमने स्टोर किया, फिर हमारा जो वर्कर्स का, वर्कर्स को हमें पे करना पड़ा. सो दीज आर द वेरियस कॉस्ट जो हमारे तरफ से, हमारा एक एक्सपेंस है जो हमें एक्सपेंस, हमें इसको एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, हमारा एक आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है. सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली. देन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वेयर हाउसिंग. जनरली इसको साथ में भी ले सकते हैं हम लोग. डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि जनरली वेन वी बाय इन अ ह्यूज क्वान्टिटी, तो हम शॉप ओनर को क्या बोलेंगे, आप घर पर डिलीवर कर दो. तो वो घर पे जो उसको डिलीवर करने का उसको रुपया लगेगा, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो वो सफ़र करेगा. सिमिलरली फॉर अ कंपनी और हम लोग ने किया था पैटको कंपनी. नाउ पैटको कंपनी विच इज़ अ ह्यूज कंपनी इज़ डीलिंग इन वेरियस अमाउंट ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स. एंड वो मटीरियल क्या कर रहे हैं, हर एक क्लाइंट को दे रहे हैं. नाउ वो क्लाइंट क्या हो सकता है, एक सुपर मार्केट हो सकता है, एक छोटा रिटेलर हो सकता है. तो वो उस तक पहुँचाया जाएगा. मेरा कंपनी जो है पैटको, मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स को, अपने जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनको अपने क्लाइंट तक पहुँचाऊँगी, मे बी यूजिंग अ ट्रक, स्मॉल ट्रक, और डिपेंडिंग जो भी मटेरियल है. सो दैट कॉस्ट जो मेरा इनकर हो रहा है, जो मैं पहुँचाने का इनकर हो रहा है, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. नेक्स्ट इज़ वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग इज़ जब मेरे पास इतना सारा सामान है, व्हेन आई हैव सो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स विथ माई सेल्फ एंड इन अ ह्यूज क्वान्टिटी, तो उसको रखने का एक जगह चाहिए, उसको हम लोग स्टोरेज या वेयर हाउसिंग का कॉस्ट बोलते हैं, जो मुझे इनकर करना पड़ेगा. दैट इज़ अ सेपरेट कॉस्ट ऑन माई हेड. तो मेरे लिए क्या क्या कॉस्ट हो गए,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिकली दीज आर द कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ द गुड. यानी कि जब वो जब मैंने जाके मैगी खरीदा तो वो शॉप ओनर के लिए परचेज ऑफ द मैगी वॉज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अगर मैंने उसको बोला भैया घर पे डिलीवर करो तो घर पे उसने डिलीवर किया, उसका अलग से उसे रुपया लगा, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. उस मैगी को उसने रख के रखा अपनी शॉप में, और कहाँ पे रख के रखा, उस में भी अलग एक स्टोरेज हाउस में रखा अगर, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग कॉस्ट. सो दीज आर द डिफरेंट डेटा विच आई हैव, दीज आर द फिनेंशियल डेटाज एंड दीज आर द डिस्क्रिप्टिव डेटाज. एज यू ऑल कैन सी इतने सारे हमारे पास कॉलम्स हैं, एंड मैं बस एक बार ड्रैग करके दिखा देती हूँ दैट आई हैव 88,453 रोज. यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट रेंजेस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट मटीरियल डिस्क्रिप्शन में हम डील कर रहे हैं. बैक टू द स्लाइड. सो द लेफ्ट साइड डिनोट्स द डिस्क्रिप्टिव डेटा, राइट हैंड साइड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो मैंने बता दिया क्या क्या है. डिफरेंट क्लाइंट्स गेट डिफरेंट डिस्काउंट्स. ऑब्वियसली आप सेम हर एक क्लाइंट को सेम डिस्काउंट नहीं देते हो, कैसा आपके साथ क्लाइंट का रिलेशन है उस हिसाब से यू गिव द डिस्काउंट्स. तो इसीलिए हमारे डेटा शीट में यू ऑल कैन सी डिस्काउंट के अमाउंट्स भी डिफरेंट है फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, फॉर डिफरेंट मटीरियल्स, फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस. जनरली वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन टुगेदर जनरली, और यू कैन टेक इट डिफरेंटली, नो इशू. द फाइल साइज विच वी हैव इज़ वेरी बिग. वाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ 88,000 प्लस रोज एंड 15 कॉलम्स. सो दिस वॉज द जिस्ट ऑन वॉट यू आर गोइंग टू डील विथ. इतना ह्यूज जो डेटा है हमारे पास, एकदम ओवरवेल्म नहीं होना है. बहुत सिंपली इसको हम लोग इससे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर सेल्स दैट यू आर एबल टू कंप्लीट वन पर्टिकुलर FMCG मॉडल.